अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज़ राना। वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त जो लाइव वायर के अंदर जो ट्रांसमिशन के अंदर जो हमारा सेगमेंट है वो है टिप्स ऑफ द डे का। नाज़रीन, टिप ऑफ द डे के साथ मैं आपका होस्ट अयाज़ राना, और हमारे साथ ज्वाइन किया है शुजात, डॉक्टर शुजात ने, जो कि हमारे एनालिस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं, और हमेशा से जो है वो एक अच्छी टिप्स जो है वो नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, मार्केट ने स्टार्ट तो ले लिया है, थोड़ा सा लग रहा है कि आज मार्केट अब इस वक्त फर्स्ट सेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे मिड डे से पहले पहले, तो वो करेक्शन की तरफ जा रही है कल की कोई वजह से, कि जो माइनस इस वक्त 22 पॉइंट्स हमने देखे। कल मार्केट ने क्लोज जो है वो बड़ा अच्छा किया था, पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कल भी मार्केट का स्टार्ट नेगेटिव ही हुआ था, ठीक है, और थोड़ा सा मनफी आगाज हुआ, लेकिन फिर बाद में मुस्बत जो है वो चीज़ें मार्केट इस वक्त प्लस टू हो गई है। अच्छा, हो गई है तो चल ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन से पहले ही। तो देखिए, मार्केट जो है वो ग्रेजुअली अब रिकवर कर रही है, मेरा ख्याल ये है कि पॉजिटिव क्लोज करेगी। जैसे कल भी मैंने कहा था कि कोई मेजर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा सरफेस लेवल पे, स्पेशली सेंटिमेंट्स में, या कोई आपकी एक्सटर्नल कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है। एक खबर है जो कि अभी हमने एक इस पहले वाले सेगमेंट में डिस्कस की थी, शायद उसका इम्पैक्ट कुछ आए कि यूएस ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल वॉच लिस्ट में रख लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उसका बहुत आम सेक्टर्स पे नहीं, बैंकिंग सेक्टर पे या कुछ दूसरे सेक्टर्स हैं उन पे। लेकिन सर, एक खबर वो भी तो थी कि उन्होंने अगले बजट के अंदर भी जो बोला है कि 57 बिलियन डॉलर का, मैंने शायद 57 बिलियन डॉलर भी देने के लिए वो राजी हैं, उन्होंने एक पाइपलाइन में वो रख दिया है मशरूत, जो वो कहते हैं कि वो आर्मी को भी कह रहे हैं कि हम उसमें फंडिंग करेंगे, उसमें दूसरी जो तरीके से वो फंडिंग करना चाहें, तो दो बैलेंस खबरें हैं उनकी तरफ से, तो हो सकता है मार्केट पर उस पर इफेक्ट ना हो। लेकिन वॉल्यूम कैसा देख रहे हैं, बड़ी मोहतात लग रहा है कि वॉल्यूम, ये आप जैसे हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बात कर रहे थे कि बड़ा मोहतात इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये मोहतात इन्वेस्टमेंट की वजह से ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। मेरे ख्याल में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मॉडरेट या लो लेवल की इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स मोहतात है, और ये आप देखिएगा कि टिल इलेक्शन इन्वेस्टर का बिहेवियर मोहतात ही होगा, क्योंकि हालांकि सिचुएशंस सही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इसी तरह से जैसे एक समंदर की खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा हो, लेकिन ये इलेक्शन तक मुझे लगता है कि ये इसी तरह से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होगी। लेकिन आज बिलखसूस अगर हम देखें तो ये भी आज भी मेरा ख्याल ये है कि इसी तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम को बहुत एक्सेप्शनल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही लोग, वही कंपनीज, वही शेयर्स लीड करेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर्स के, या इवन एक और है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, वो टोबैको का। टोबैको सेक्टर आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है, बेचारों को गम इतना होता है कि जब वो एक ना एक सिगरेट तो पीना है, बेशक चाहे जितना भी टैक्स लग जाए उस पर। तो आप ये देखिएगा कि सिगरेट की जैसे खैबर टोबैको था, या कुछ और टोबैको से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज थी, वो काफ़ी हद तक परफॉर्म कर रही हैं, तो और उनकी जो शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं, और इवन के एक दिन अगर वो डाउन होती हैं, दूसरे दिन उससे ज़्यादा वो गेन कर लेती हैं। तो ये चंद एक लोअर कैप में भी आ जाती है, बिल्कुल। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें बेहतर, इट्स इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे होगी, कोई ऐसी हंगामा खेजी की सूरतयाल नहीं है उसमें स्टॉक में। लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, तो देखा ये गया फूड एंड पर्सनल केयर का सेक्टर, मैंने हमेशा एक चीज़ बड़ी इसके ऊपर नोट की है कि जब सुबह का जो सेशन होता है उसके अंदर ये फूड एंड पर्सनल केयर के ऊपर ज़रा थोड़ा सा वो टॉप ट्रेंड्स के अंदर ऊपर होती है, और फिर वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जब दिन ऊपर जाता है तो दूसरी जो ट्रेंड्स हैं वो उसको कू कर जाते हैं और वो ऊपर होते हैं। तो उसके बाद सीमेंट, केमिकल्स, बैंकिंग सेक्टर और इस तरीके के सेक्टर चल रहे हैं, तो वही आपकी वाली बात, तो आज कौन सी उसको आप समझते हैं कि ज़्यादा लोगों का रुझान जो होगा, क्या क्या लगता है कैलकुलेशन अगर अगर प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो मेरा ख्याल ये है कि सेकंड में भी, असल में रीज़न ये होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि फूड का पहले हाफ में होता है, बाद में सीमेंट्स और दूसरी वो चीज़ों की तरफ जाते हैं, जो कि जो सीमेंट्स या जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मार्केट के लोग जब तक इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेता इन्वेस्टर्स उस दिन की, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में या गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। फूड की ऐसी जो जो इंडस्ट्री है, इसके बारे में कुछ मेजर रेगुलेटरी चेंजिंग्स नहीं आती हैं, तो वो सुबह से इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू हो जाती है। लेकिन जो जो बड़ी इंडस्ट्री होगी, जिसके रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, या जिसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा हैं, तो उसमें जो लोग ठहर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं कि आज के दिन की क्या न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई उसके बारे में कोई न्यूज़ आनी है, कोई ऐसा रेगुलेशन पास होना है, तो सुबह 9, 10, 11, 12 बजे तक वो अगर होना भी होगा तो वो आ जाती खबर, मार्केट में आ जाती, फिर अकॉर्डिंगली उसके वो अपने स्टेप्स ले लेते हैं। तो इसलिए ये एक रीज़न हो सकती है। आज के दिन में मेरा ख्याल ये है कि
जैसे मैंने कहा टोबैको पे, मैं कल क्योंकि आपने कहा था कि लोगों को हम थोड़ा सजेस्ट भी कर दें कहाँ पे वो कर सकते हैं, तो टोबैको के अंदर उसकी मैंने जब उसके ब्रेकअप्स देखे, फंडामेंटल्स देखे, तो मुझे लगा कि काफ़ी जो है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फूड का जैसे देखा तो फूड का मैंने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, फूड्स के हमारे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज़ की रिटर्न ऑन इक्विटीज़, रिटर्न ऑन एसेट्स, उनकी एसेट्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। इसी तरह से वैसे मैंने जैसे मेटकोज फूड की मैंने बात की थी, तो मेटकोज वाले जा रहे हैं, तो मेटकोज भी एक आईपीओ कल उनका एडिशन मेटको का हो गया, तो बिल्कुल कल आप, एक, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल में। आते ही जो है कल जब वो उन्होंने 25 रुपए का अपना शेयर की जो लॉन्चिंग की और वो कल जाके 27 के ऊपर अपर कैप में आ गई थी, कल जब तक वो मार्केट में ट्रेड करती थी तो अपर कैप के अंदर रही। देखते हैं, एक नया एडिशन है फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर के अंदर, लोगों को लगता है कि इसके एक और ऑप्शन मिल गया। बिल्कुल, ये एक अच्छा ऑप्शन है मैं समझता हूँ। बिल्कुल अच्छा, अब मुझे ये बताएं, देखें ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो आज भी थोड़े और नीचे आ गए हैं जो गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में। आने वाले दिनों में ओजीडीसी का अनाउंसमेंट आने वाला है मेरे ख्याल से अगले 2-4 दिन के अंदर, तो क्या लग रहा है कि ऑयल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या ऑयल में? देखें, थोड़ा सा जो प्योरली ऑयल के इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ऑयल सेक्टर में अभी प्राइसेस पीक पे हैं। मैं पहले भी मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा होल्ड करें क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्राइसेस टेम्पर होंगी, थोड़ी डाइल्यूट होंगी, कम होंगी। तो अभी प्रेजेंटली जो है वो जो इन्वेस्टर है जो जिसके पास है वो उसको थोड़ा प्रूडेंटली देखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिले करें, शायद आइंदा आने वाले चंद दिनों में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और कम हो जाएं, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने 70+, 71, 72 पर टॉप जो पीक का अपना लेवल था उस पर वो ट्रेड हो रही हैं। आइंदा जो नज़र आ रहा है ऑयल की सप्लाई के हवाले से चीज़ें, तो उसमें प्राइसेस मेरे ख्याल में कम होके 60 और 70 के दरमियान ही फ्लोट करेंगे, मे बी समवेयर 65-66 पे, तो इसका फिर आपकी प्राइसेस थोड़ी सी और डाइल्यूट होंगी, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिर उसको आप कैसा देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह बैंकिंग सेक्टर, कल भी आप काफ़ी जोर दे रहे थे, तो बैंकिंग के लिए भी कल एक जो न्यूज़ आई उसके बाद काफ़ी जो है लोग डरे हुए थे, और फिर सेकेंड हाफ में जो पिटीशन फाइल थी पिटीशनर्स जो पेंशनर्स के लिए उसके ऊपर, तो जो आया 8,000 रुपये जो है वो फिक्स कर दी मिनिमम जो है वो देनी है, तो वो क्या इफेक्टिव हुई मार्केट? देखिए, इसमें थोड़ा सा इफेक्टिव भी होगा इसमें, और चंद एक जो बिलखसूस चंद एक बैंक्स जो हैं उनको भी ये समझना होगा ये बात कि ये मतलब अगर वो थोड़ी सी खर्चा नहीं करते, अगर आप इसको खर्चे ही कह लें, तो उनके लिए मार्केट के अंदर एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है, एक बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से उनका ओवरऑल बड़ा उनका स्ट्रक्चर ख़राब होता है। तो इसका ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन ज़ाहिर है बैंक्स के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसका इम्पैक्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है कि कोई ड्रेस्टिकली चीज़ें कम हो। जो चीज़ जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे हो सकता है या होगा, वो जो मैंने आपको न्यूज़ बताई कि US ने हमें फाइनेंशियल वॉच लिस्ट में रख लिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंट्रीज़ में से हैं और हमें देखा जाएगा हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर का ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रीच करेगी, डाउन करेगी हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो ये बात वाजे करी कि हम दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे इस बात पे बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का हमें डाला जाए तो उसके ऊपर वो इस बात को नेगेटिव करें और हमारे लिए काउंटर करें कि हम इस तरीके से जो है वॉच लिस्ट में हमें ना डाला जाए। उम्मीद है कि हो सकता है कि ये हमारे लिए बुरी खबर ना हो, ये एक अच्छा इसको काउंटर होकर और करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर लॉबिंग करने की हमारी हुकूमत को ज़रूरत है कि वो अपना जो असर रसूख इस्तेमाल करें और इस तरह की खबरों को जो है वो प्रिवेल ना हो और हमारी मार्केट पे इफेक्ट ना करें। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, आपने हमें गोल्ड एक टिप्स ऑफ द डे के लिए टिप्स दी हैं। नाज़रीन, यकीनन शुजात साहब की बातों से आपको यकीनन ये अंदाज़ा है कि जो आपने अगर फौरी तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी है। आपने अगले आने वाले दिनों के ऊपर थोड़ी अगर ऑयल सेक्टर में करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट जो है थोड़ी सी फ्लक्चुएट होनी है, मज़ीद ऑयल के प्राइसेस नीचे जाने लगता है ऐसे ही है, माहरीन यही बताते हैं, तो उस थोड़ा सा वक्त दरकार है। यहाँ इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करेंगे, अगले फिर सेगमेंट में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।